हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस लेकर आई हूँ। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी ओवरऑल इस वक्त जो आपकी लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग्स हैं, ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। ये जो गाइडेंस है ये इमीडिएट गाइडेंस है। सेपरेशन, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं बिकॉज ऑफ़ योर सेपरेशन, या तो आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ आपका सेपरेशन हुआ है, या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपसे दूर है। इस सेपरेशन में आपने लाइफ में काफ़ी कुछ सीखा है। एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो सेपरेशन पीरियड है ये एक लर्निंग फेज़ है। इस लर्निंग फेज़ से आपने क्या सीखा ये आपको नोटिस करना है, और जो आपने सीखा है उसको अपनी लाइफ में दोबारा कभी रिपीट नहीं करना है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो कि प्यार डिज़र्व करता है, जो कि सेपरेशन में भी आपके लिए सोचता है या सोचती है, या जो भी पर्सन ऐसे हैं जो कि आपसे सच्चा प्यार करते हैं और वो आपको ये जताते हैं कि सेपरेशन में वो आपसे जुदा होकर, दूर होकर निराश हैं, दुखी हैं, तो ऐसे पर्सन को आपको ये गाइडेंस है कि आपको खोने नहीं देना है। आप उनको अपनी लाइफ में रखिए, जिस भी रिश्ते से रखिए, बट आप रखिए अपने लाइफ में, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और अगर आपने सेपरेशन में ये सीखा है कि आप जिस बंदे या जिस बंदी से दूर हैं, जिस बंदे या जिस बंदी से आप काफ़ी टाइम से सेपरेटेड हैं, बट उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी उसको आपका इंतज़ार नहीं है, उसको आपकी कोई परवाह नहीं है, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप किसी और के साथ हो या आप उनका वेट कर रहे हो, उन्हें आपको देखने की कोई परवाह नहीं है, आपके बारे में जानने की कोई परवाह नहीं है। तो इससे आपने क्या सीखा उसको आपको फॉलो करना है। जो भी लोग सेपरेशन में हैं और एक सही पर्सन का वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है एंजल्स की तरफ से। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन आपके पीठ पीछे आपके लिए वर्क कर रही है, और आपने जितना भी सेपरेशन पीरियड में वेट किया है ना, वो वर्थ है, मतलब वो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैसेज है आपके लिए वो है अट्रैक्शन। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्हें एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि आप किसी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्टेड है। हो सकता है ये प्यार नहीं है, लेकिन ये एक अट्रैक्शन है। आपको किसी को देखना अच्छा लगता है, आपको किसी को सुनना अच्छा लगता है, आपको नहीं पता कि वो पर्सन के दिल में क्या है, वो पर्सन भी आपसे प्यार करता है, ये करती है या नहीं करता, नहीं करती, लेकिन आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं, लव शुड बी अनकंडीशनल। अगर कोई चीज़ खूबसूरत है, या कोई पर्सन खूबसूरत है, या कोई पर्सन की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। कोई खूबसूरत सा फ्लावर होता है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। कोई खूबसूरत पर्सन होता है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। एक प्योर सोल होती है, एक खूबसूरत सोल होती है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं और आपके मन में ये है कि नहीं, मैं तो मैरिड हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, या मैं गलत कर रहा हूँ, या मैं गलत कर रही हूँ, तो नो, यहाँ पर आप किसी की तारीफ़ करने से ख़राब नहीं हो जाते। और अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्शन रखते हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करें, तो इससे भी आप की कोई गलती नहीं है इसमें। अगर कोई पर्सन डिज़र्व करता है, कोई पर्सन एक ऐसा पर्सनालिटी है जिसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लमेटिक ऐसी एनर्जी में नहीं आना है कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का मैसेज है। आप में से कुछ लोगों के मन में ये चीज़ें चल रही हैं इस वक्त कि आपको जिस पर्सन ने हर्ट किया है, जिस पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी है, जो पर्सन आपको तकलीफ़ देकर अपनी लाइफ में मज़े कर रही है या कर रहा है, क्या आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए? एंजल्स आपको कह रहे हैं येस, बिकॉज समटाइम्स वो आपके ही पास्ट लाइफ बैड कर्माज होते हैं, समटाइम्स ये न्यू कर्मा क्रिएटेड होता है। तो अगर किसी ने न्यू कर्मा क्रिएट किया है, तो उसको उसकी कर्मों की जो सज़ा है, जो भी पनिशमेंट है, वो डिवाइन खुद देंगे और उसको ये चीज़ें नोटिस करा कर देंगे। आपको फोगिव कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फोगिव नहीं किया और आपने उससे कुछ लर्न नहीं किया, तो आने वाले समय में वो कर्मा साइकिल आगे कंटिन्यूएशन में चली जाएगी। तो पता चला आपने नेक्स्ट बर्थ लिया और नेक्स्ट बर्थ में भी यही घिसी पिटी चीज़ें आपके लाइफ में वापस आ रही हैं। तो ऑलवेज़ फोगिव, ट्राई टू फोगिव जो भी आपको हर्ट कर रहा है या कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंजल गाइडेंस है आज के दिन में, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हैं,
ठीक है, कोडिपेंडेंसी एक हद तक अच्छी लगती है कि हाँ आप किसी पर कोडिपेंडेंट हैं, अपने माँ बाप पर, अपने भाई बहन पर, या अपने हस्बैंड पर, अपनी वाइफ पर, या अपने बच्चों पर। बट अगर आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हैं, मतलब आप उनके परमिशन के बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकते, उनके परमिशन के बिना आप अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकते, उनके उनसे ही आप पैसे मांग रहे हैं, उनके ही ऊपर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें, या कुछ लोगों के लिए ये भी होता है कि वो किसी पर्सन से एडिक्ट हो जाते हैं, आपका जो बिहेवियर है उनके लिए एडिक्शन वाला हो जाता है कि नहीं तुम किसी से बात नहीं कर सकती, तुम किसी से दोस्ती नहीं कर सकती, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम जॉब नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, या तुमको उससे नहीं मिलना है या तुमको इससे नहीं मिलना है। तो ये जो है ये कोडिपेंडेंसी है और ये एडिक्शन है, तुम नहीं तो मैं नहीं, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती या तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तुम किसी और के नहीं हो सकते, ये जो चीज़ें हैं ये कोडिपेंडेंसी है। अपने आप को कभी भी कोडिपेंडेंसी वाले एडिक्शन से दूर रखें, हमेशा फ्रीडम दें। फ्रीडम देने से जो आपका होगा वो आपका ही रहेगा, ठीक है, और जो नहीं होगा उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप अपने परिवार की वजह से या अपने फाइनेंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको हील करना है। हो सकता है कुछ एंसेस्ट्रल कर्माज हो जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं या कर रहे हैं, या आपके लाइफ में कुछ ऐसी ग्रह दशा चल रही हो जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है। आप कोई स्पेल यूज़ कर सकते हैं, इवन मेरा खुद का स्पेल दिया हुआ है, आप करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, आप लक से रिलेटेड बहुत सारे स्पेल्स हैं, आप एम सिंह द्वारा सर्च करेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फैमिली इश्यूज़ को हील करने के लिए सबसे बेहतर है घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं, या आप खुद हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। या फिर अगर आप किसी दूसरे कास्ट कल्चर से हैं तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में आपको जो भी अपने हिसाब से सही लगता है, या फिर आप थ्रू मेडिटेशन या थ्रू सबलिमिनल भी आप ये चीज़ें अफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में एंजल्स की तरफ से एक न्यू रोमांटिक लव लाइफ, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप सिंगल हैं, हो सकता है आप डिवोर्सी हों, विडो हों, या बिल्कुल सिंगल हैं, या आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, आपके लाइफ में एक न्यू लव की ब्लेसिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, न्यू लव की एंट्री यहाँ पर नज़र आ रही है। दो कार्ड मैं लूँगी एंजल्स की तरफ से, पहला है कंसीलमेंट। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एंजल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपने अपने अंदर सप्रेस्ड कर रखी हैं, या तो आपके अंदर किसी को लेकर जेलिसी की भावना है, किसी को लेकर द्वेष है, किसी को लेकर आपको ये है कि यार ये अच्छा नहीं है मेरे लाइफ में इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आई है, या वो अच्छी नहीं है उसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है। तो आपको ये देखना है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग क्यों हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी नेगेटिव एनर्जी अभी तक है जिसकी वजह से ऐसे लोग आपकी वाइब्रेशन में मौजूद हैं, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन ऊपर जाती है तो ऐसे लोगों को या तो आप खुद रिलीज़ कर देते हैं या वो लोग खुद आपसे रिलीज़ हो जाते हैं, उनकी वाइब्रेशन मैच ही नहीं करती है। तो ऐसे सिचुएशन में हील योरसेल्फ, आपके अंदर की जो नेगेटिव चीज़ें आपने अपने अंदर छुपा रखी हैं उसे हील करें। वन मोर कार्ड विल टेक फाउंडेशन। कभी भी अपने फाउंडेशन को ना भूलें, अपने बेस से जुड़े रहें, तभी आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी सोसाइटी में और सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपकी बनी रहेगी। ऑलवेज अपने बेस से जुड़े रहें, आप जहाँ से भी उठे हैं उसको ना भूलें, अपने बेस से जुड़े रहें, ये भी काफ़ी लोगों के लिए एंजल्स की गाइडेंस है। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आपको इस टॉपिक से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, रीडिंग पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके लिए कौन सा पॉइंट हेल्पफुल रहा है। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।